अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को स्थायी रूप से वित्त पोषण में कटौती करने की धमकी दी है, जब तक कि वह अगले 30 दिनों में ठोस सुधार को लागू नहीं करता है। Lot of tremendously positive news on the hydroxy, and I say, hey, you know the expression I've used, John? What do you have to lose? Okay, what do you have to lose? So I take medicine. I have been taking it for about a week and a half. Every day. At some point, every day, I take a pill every day. At some point, I'll stop. What I'd like to do is I'd like to have the cure and/or the vaccine, and that'll happen, I think, first. WHO के महानिदेशक को एक पत्र में ट्रंप का कहना है कि संगठन को एक सलाह देता हूं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और यह चीन के बहुत करीब होने का आरोप लगाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह वर्तमान में मलेरिया रोधी दवा दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने संभावित खतरनाक दुष्प्रभावों के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद कोविड-19 के उपचार के रूप में दवा को बार बार दोहराया है। फ्रांस और जर्मनी ने यूरोप में दशकों में सबसे खराब संकट में मदद करने के लिए एक आधे ट्रिलियन यूरो की योजना की घोषणा की है। प्रस्ताव में एक बचाव निधि के लिए कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कोरोना वायरस लॉकडाउन सबसे कठिन है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्कर ने कहा कि हफ्तों तक जर्मनी ने महामारी के आर्थिक घात को अवघोषित करने के लिए सामूहिक ईयू ऋण के विचार का विरोध किया था। ब्राजील दुनिया में कोरोना वायरस मामलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या के साथ ब्रिटेन से आगे निकल गया है। 1 मिलियन से अधिक ब्राजीलियाई लोग संक्रमित हुए हैं और लगभग 17,000 लोग मारे गए हैं। सरकार सार्बिया से 150 से अधिक डॉक्टरों को बुलाने में मदद कर रही है। कोरोना महामारी भारत की अर्थव्यवस्था को कड़ी फटकार दे सकती है। गोल्डमैन ने उम्मीद की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा तिमाही में 45% कम हो जाएगी। भारत ने सिर्फ कोरोना के कारण लॉकडाउन बढ़ाया है और कुछ जगहों पर उसमें ढील भी दी है। ये सिर्फ जीवित रहने के लिए एक चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक न्यूज़।